लेक्चर 10, इसमें पाचन तंत्र के पीएच मान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि हमारे पेट में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है और बताएं कि अपच की स्थिति में जब भोजन नहीं पचता तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो पेट में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, तो ध्यान रखें पेट में HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो क्या करता है पेट उसको उत्पन्न करता है, ठीक है, और वो क्या करता है पेट को हानि पहुँचाए बिना भोजन का पाचन करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख लें, हमारा पेट HCl शॉर्ट फॉर्म में HCl एक अम्ल है, इसका नाम क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, और यह अम्ल पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन का पाचन करता है, पेट या उदर को, ठीक है। यह अम्ल उदर मतलब पेट होता है, उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन का पाचन करता है, ठीक है, भोजन का पाचन करता है। इतना हुआ आंसर कि भोजन का पाचन कैसे होता है। तो ध्यान रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है पेट में रिलीज होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है, पेट HCl को उत्पन्न करता है जो क्या करता है पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पाचित कर देता है, पचा देता है। अब कभी कभी ऐसी कंडीशन होते हैं कि अपच हो जाती है, नहीं कहते अपच हो गया, गैस बन रही है, ठीक है, भोजन पाचन नहीं होता तब कंडीशन में, तो अपच की स्थिति में क्या क्या अप्लाई करना है वो चीज़ भी देख लें। तो यहाँ पे लिखें अपच की स्थिति में अपच क्यों होता है, उसका रीज़न क्या होता है कि पेट क्या करता है अम्ल जो होता है अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न कर देता है, एसिड HCl के अलावा बहुत ज़्यादा एसिड उत्पन्न कर देता है, तब क्या होता है कि पेट में जलन का अनुभव होता है और दर्द करने लगता है पेट। इस स्थिति में क्या करना चाहिए, इसलिए आपको छार का उपयोग करना चाहिए। छारक क्या होता है कड़वी, यानी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो कड़वी हो, जैसे करेला खाइए तो इससे अपच दूर हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि जहर खा लीजिए, वो भी कड़वी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। अपच की स्थिति में ऐसे छारकों का प्रयोग करिए जिनमें क्या हो एंटीसिड क्या है छारक है, इसका उपयोग करने पे भी क्या हो जाता है कि पेट का जो अपच हो दूर हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिखिए अपच की स्थिति में उदर मतलब पेट होता है, तो मैं लिख देता हूँ उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, ठीक है, जिसके कारण जब अम्ल उत्पन्न होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ लिखेंगे जिसके कारण पेट या उदर मतलब पेट, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, जलन होने लगती है, ठीक है। तो जब दर्द होगा या जलन होगी तो इसको आप दूर करना चाहेंगे कि ठीक हो जाए, तो इस दर्द या जलन से मुक्ति पाने के लिए मुक्त होने के
लिए मतलब आराम पाने के लिए, एंटासिड एंटासिड जैसे एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे क्षारकों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, प्रयोग करना चाहिए, ठीक ना। अगर अपच उत्पन्न हो रही है तो पेट में जलन वगैरह होगी, दर्द करेगा, तो आपको ऐसा आभास हो जाएगा कि आज का भोजन जो है पचा नहीं है, ठीक ना, डकारें आएंगी, खट्टी खट्टी गैस ऊपर की ओर आएगी, ठीक ना, तब आप समझ जाएं कि अपच की स्थिति हो गई है, पेट में दर्द जलन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्षारकों का प्रयोग करना है जो क्या हो, एंटासिड जैसे कहा जाए कि एसिड अम्ल से बने हो, एंटासिड जैसे अम्ल नहीं क्षारकों से बने हो, इनका प्रयोग करेंगे तो आपको अपच जैसी चीज़ें क्या होगी, दूर हो जाएंगे और आपका भोजन जो है आसानी से पच जाएगा। और एक रीज़न है, जितना भी आप भोजन कर रहे हैं, अगर भूख आप चार रोटी की हो तो दो ही खाएं, तीन खाएं, तो ऐसा कभी कंडीशन होगी नहीं। और अत्यधिक मात्रा में भोजन करेंगे तो अपच तो होगा ही, ठीक है, तो कंडीशन पहले अप्लाई कर लेंगे, भोजन ही कम करिए जिससे पच जाए, जितना करिए जिससे पच जाए, अदरवाइज आप खूब ठूस ठूस खाएंगे तो फिर वही है, जब खाएंगे तो अपच होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।